हेलो एवरीवन वेलकम्स वेलकम टू मैगन ब्रेन्स कंपटीशन मैं शांतनु आपका रेजिंग मेंटर आ गया हूं आज आपके सामने डे लेकर आज डे में क्या डिस्कस करने वाले भाई आज हम पजल्स डिस्कस करने वाले भाई बैक बैक टू सिटिंग और पजल्स की लड़ाई चल रही क्योंकि टॉपिक भी बहुत बड़ा है क्वेश्चन भी ज्यादा इससे आते हैं तो भाई डे को फोकस करो और डे नाइन में जो पजल का सेक्शन आएगा उस पजल के सेक्शन पे क्या करेंगे आज के पजल थोड़ा सा हाई लेवल की होंगी भाई मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि पीओ और क्लर्क को मिक्स करके लेके चल रहा हूं यहां पर तो तैयार हो जाओ क्योंकि यहां पर आपके सामने

वीडियो को पॉज करिए ट्राई करिए बनाने का चलिए मैं एक बार हिंदी में आपको दिखा दिया आप एक बार इंग्लिश वाले भी देख लें भाई इंग्लिश वाले भी देख लीजिए इसको यहाँ पे प्रॉपर क्या आपको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए चलिए मुझे लगता है मुझे बनाना चाहिए आपके सामने दिखाना चाहिए क्वेश्चन को आपने इसको ट्राई किया होगा और बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा कितने लोग है भाई यहाँ पे यहाँ पर बोला गया है दस लोग हैं ठीक है यहाँ पे जो दस लोग हैं वो कौन कौन है जरा देख लो एक बार बेटा एक बार जरा देख लो वो दस लोग कौन कौन है ठीक है दस लोग हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं दस लोगों की लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक और लिख लेते हैं यहाँ पे टेन मैं दो केस लेके चलूंगा भाई दो केस एक केस से कभी क्वेश्चन लेके हमें चलना अगर क्वेश्चन इस तरह से काफी बड़ा सा दिखाई दे आप आपको तो कैसे करोगे देखो ध्यान से सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे भाई यहां पर क्या बोला गया दस लोग हैं जिनका चेहरा नॉर्थ में तो राइट लेफ्ट क्लियर होगा आपको सभी लोग अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं भाई देखो कंट्रीज के नाम आपको दे दिए गए सबसे पहले क्या बोला गया, गया? क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया वन पर्सन बिटवीन किसके जिसको क्या पसंद है बेटा सॉरी अलग अलग कंट्री इन लोगों को पसंद है ना लाइक करते हैं बिटवीन क्या द द वन वन हु हु लाइक लाइक ईरान एंड तुर्की ठीक है तुर्की तो यानी ईरान और तुर्की के बीच में कितने लोग है, भाई? एक व्यक्ति जो है वो रहता है तो मुझे ये चीज नहीं पता होगी यहां पे तो मैं काम करूं क्या लिख लेता हूं ऐसे कि ईरान और तुर्की के बीच में एक लोग हैं भाई इसको आप ध्यान रखना समझने की कोशिश करना आगे क्या बोला गया ए डज नॉट लाइक ईरान चलो भाई ए जो है वो ईरान से नहीं है ऐसा बोला गया ए जो है वो ईरान से नहीं है या ये पसंद नहीं करता और एच को भाई यहां पर चिली नहीं पसंद है किसको एच को एच को चिली नहीं पसंद है भाई तो इसको भी लिख हैं पसंद नहीं है नहीं है भाई उसके बाद क्या बोला गया इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड लो भाई ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा लेफ्ट से थर्ड पे ए आ जाएगा यहां पे आ गया और यहां पे भी ए इस तरफ आ चुका है ठीक है ये हमारा बन चुका है इसके बाद आगे क्या बोला गया फाइव पर्सन बिटवीन ए एंड ई A और ई e के बीच में पांच लोग हैं तो भाई ए के बाद वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे ई e आ जाएगा ए के बाद वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे ई e आ जाएगा A और e के बीच में कितने लोग है? पांच लोग हैं हैं पांच अच्छा e को क्या पसंद है भाई यूएस यूएस पसंद पसंद है है e को पसंद है, तो यहाँ पे यूएस पे आ जाओ भाई ई e को यूएस पसंद है यहां पे आ जाओ ठीक है अच्छा आगे बोला गया जी और डी जो है ना इमीडिएट नेबर है किसके ई e के ई e के नेबर है G और डी अब जरा सोचो अगर जी यहां करूं तो डी यहां आ जाएगा ऐसा भी तो हो सकता है जी यहां पे हो और यहां कौन हो भाई डी हो ऐसा भी हो सकता है तो देखो जी अच्छा दो केस तो था यहां पे ना रुको ना तो क्यों इसमें ऐसा कर रहा है दो केस था तो बना लो ना जी और डी इसमें कर लो यहाँ पे और यहां पे जी इधर कर लो डी इधर कर लो अब ये दो केस क्लियर हो गए भाई आगे देखो एफ, एफ एंड ए डो नॉट सिट नियर टू ईच अदर भाई एफ के बगल में ए नहीं आना चाहिए तो यानी एफ यहाँ नहीं आ सकता यहाँ पे एफ नहीं आएगा यहाँ पे एफ नहीं आएगा ठीक है सेम ऐसे इसमें भी हो जाएगा ठीक है एफ के पास हमारी जगह बची एक एंड पे और तीन जगह और बच गए इसमें आगे देखो क्या बोला गया भाई सी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी बी के लेफ्ट फोर्थ पे सी होगा तो बी के लेफ्ट फोर्थ पे सी कहीं भी हो सकता है ठीक है इसको ऊपर लिख लो सी के लेफ्ट वन टू थ्री और फोर पे कौन आ जाएगा बी हो जाएगा बी जो है वो सी के लेफ्ट फोर्थ पे हो जाएगा उसके बाद देखो ध्यान से यहां पे क्या बोला गया उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से सिक्स पर्सन बिटवीन जी एंड नार्वे सिक्सन बिटवीन जी एंड हु लाइक नार्वे भाई जी और नार्वे के बीच में छह लोग हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी नार्वे यहां आ जाएगा लास्ट में जो नार्वे होगा बेटा वो कहां जाएगा लास्ट में आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग ठीक है नार्वे लास्ट में आ जाएगा तो यहां पे नार्वे हो गया ठीक है ये नार्वे हो गया ठीक है भाई

आगे ध्यान से समझना है इसको भाई। ये चीज़ हमारी हो जी और एक दो तीन चार पांच छह नॉर्वे हो गया अच्छा ए के बारे में बोला गया यहां पर तो क्या बोला गया सिक्स पर्सन बिटवीन जी एंड लाइक नार्वे एंड द वन लाइक रशिया समझना इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जो छह लोग हैं ना वो जी के बीच में बैठे हैं अच्छा जी को ही तो नार्वे पसंद है यार सॉरी 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 यहां पर हु लाइक like नार्वे बोला गया तो एक काम कर लेते हैं नार्वे यहां नहीं रशिया की बात बोलेगी जी को नार्वे पसंद है ठीक है ना यार इसको ऐसे लिख लेते हैं जी को जो है वो नार्वे पसंद है ऐसे कर लेते हैं नार्वे यहां पर भी जी को नार्वे कर लेते हैं मैं भी कहूँ दो कैसे आ गया नार्वे और रशिया बोला गया तो यहां से वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स तो ए जो है वो रशिया हो जाएगा ठीक है ए जो है क्या हो जाएगा रशिया सिमिलरली यहां रशिया यहां आ जाएगा ठीक है यहां कौन आ जाएगा रशिया आ जाएगा ठीक है और रशिया के अलावा क्या बोला गया भाई नॉर्वे हो गया जी हमारा ठीक है ये बिल्कुल सही जा रहा था आगे क्या बोला गया था आई को क्या पसंद है भाई इटली पसंद आई जो है वो बिलोंग करेगा इटली से ठीक है ना ठीक है इटली से आई होगा और यहां पे आई जो है वो इटली से ठीक है इटली से आई हो गया यहाँ पे चलो आगे जरा पढ़ लो इसमें आगे क्या बोला गया था ठीक है इटली से आई हो गया उसके बाद क्या बोला गया एंड सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डी भाई डी के लेफ्ट फोर्थ में आई होगा तो वन टू थ्री यहाँ पे आई हो गया और वो किससे होगा इटली से ठीक है ये इटली से हो गया ठीक है यहां देखो डी के लेफ्ट फोर्थ में ना एक दो तीन यहां पे आई हो गया जो कि इटली से चलो तो ये लाइन भी हटा दो यहां से ये सब लाइन हटा दो यहाँ से कोई मतलब नहीं अच्छा उसके बाद क्या बोला गया उसके बाद क्या बोला गया आई और ए जो है ना वो कहीं भी अगल बगल नहीं बैठेंगे तो क्यों आई और यहाँ पे अगल बगल बैठ गए ना किसके बारे में बात की गई आई और ए के तो इसका मतलब ये वाला केस पूरा गलत हो जाएगा तो ये पूरा केस गलत हो गया तो ये पूरा केस यहाँ पे क्या है सही जा रहा है चलने दो तो यहाँ पे अच्छा जैसे ये आया ना तो क्या सी और बी वाली केस आ जाएगी क्या अगर मैं सी को यहां रखू तो एक दो तीन छोड़ के बी यहां आ सकता है सी को यहां रखू तो एक दो तीन छोड़ के बी नहीं आएगा तो भाई सी यहीं आ जाएगा अगर यहां रखें तो एक दो नहीं आएगा सी यहां आ जाएगा एक दो तीन छोड़ के बी देखो एंड पे आ गया तो ये डेटा पूरा खत्म हो गया अरेंज कर लिया आप लोगों ने ठीक है ना और आई और टी के बीच में एक लोग बैठे ऐसा बोला गया ना वन पर्सन बिटवीन अच्छा आई और टी मतलब ईरान और तुर्की की बात हो रही है ईरान और तुर्की की बात हो रही है कि इनके बीच में सिर्फ एक लोग बैठे हैं ठीक है छोड़ दो जरा सा फिर क्या बोला गया फोर पर्सन बिटवीन जे एंड जे को जापान पसंद है भाई और एफ फोर पर्सन जे और एफ के बीच में बैठे हैं भाई जे और एफ के बीच में कितने लोग हैं चार तो इसका मतलब जरा सोचो एफ तो यहां आ नहीं सकता ए के बगल में तो एफ यहीं आएगा ठीक है और अगर एफ यहां आया तो एक दो तीन चार छोड़ के यहां पे जे आ गया और जिसमें आपको बताया गया इसमें कि एफ को क्या पसंद है भाई जे को जापान पसंद है तो यहां पे जापान आ जाएगा ठीक है छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे जे को जापान पसंद है और एफ को क्या पसंद है यूके पसंद है भाई तो पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ यूके हो गया एफ के पास यूके का हो गया यहाँ पे ठीक है उसके बाद देखो ध्यान से ये डन हो गया हमारा भाई ये पूरा पूरा डन हो गया अब जरा ये डन हो गया तो ईरान और यहाँ पे ईरान और किसके बीच में टर्की के बीच में कितने लोग हैं एक लोग हैं जरा बैक टू बैक देखो एक ही जगह कहां दिख रही है आपको ईरान और तुर्की की बात कर ले बेटा यहाँ ईरान करेंगे तो यहाँ पे तुर्की हो नहीं सकता यहाँ करेंगे यहाँ पे होगा नहीं ये ईरान करेंगे तो एक छोड़ के तुर्की यही बनेगा फिर ईरान और तुर्की और इसमें बताया गया एक को ईरान पसंद नहीं तो एक को तुर्की हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा तुर्की ठीक है अब उसके बाद ये तुर्की हो गया तो सी जो है वो क्या हो जाएगा ईरान से बिलोंग करेगा भाई सी जो है वो ईरान से हो जाएगा ईरान से हो जाएगा सी अब जब सारे के सारे हो चुके हैं तो एक बार कन्फर्म कर ले जो एच है वो किससे नहीं भाई चिली से नहीं अगर एच चिली से नहीं होगा तो फिर कौन होगा यहाँ पे बचा कौन सा नाम एच ही तो बचा शायद इसमें एच जाएगा तो ये कौन हो जाएगा चिली यहाँ पे आ जाएगा बेटा और अगर चिली यहाँ पे आ गया तो एक नाम जो बचा है चाइना का वो यहां आ जाएगा ये चाइना हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया दो केस के साथ आप जाओगे तो आपके सामने चीजें आसानी से बन जाएंगी दो केस के साथ आप जाओगे तो आसानी से चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी बशर्ते आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए बैक टू बैक बनाते जाओ जो ना बने अलग से लिखते जाओ कोई तो पॉइंट ऐसा आएगा जिससे आपका क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा कोई तो पॉइंट ऐसा आएगा जिससे ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा तो ये देखिए आपका आंसर आ गया ठीक है वीडियो को पॉज करिए स्क्रीन ले लीजिए और इसको फिर से बनाने की कोशिश करिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखो क्या है भाई यहां पे क्या बोला गया दो दस लोग हैं जो कि दो पैरेलल लाइन में बैठे दस लोग पैरल लाइन में दो बैठे जरा देखो यहां पर क्या बोला गया लेकिन हर एक लाइन में छह सीट है यानी एक सीट कोई खाली है मतलब डायग्राम बारह का है और दोनों में ही एक एक सीट्स खाली हैं तो जरा इसको अरेंज करो देखो जरा से यहां पे वीडियो को पॉज करो जरा स्क्रीनशॉट लो इसको बनाने की कोशिश करो ठीक है चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जरा यहां पे ध्यान से बनाने की कोशिश करिए ठीक है भाई चलिए परफेक्ट परफेक्ट अब जरा ध्यान से देखो मैं इसको बना के दिखा रहा हूं छह छः-छ़े का डायग्राम बना लो दो केस से चलेंगे इसके साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ये हो गया हमारा डन ये हमारा डन हो गया ऐसे बन जाएगा बट आमने सामने बैठे हैं लोग है ना एक और केस ही दे देते हैं एक दो तीन चार पाँच छः भाई छः की सीटिंग है लेकिन बैठे तो पाँच लोग हैं यानी हर एक लाइन में ना एक एक जगह खाली दिखाई दे रही है एक एक जगह खाली दिखाई दे रही है ज़रा सोचो हमको बताया कि एम एन ओ पी एम एन पी और एल जो है ना ये लाइन वन में है साउथ देख रहे हैं यानी एम एन पी आर एल ध्यान रखना ये यहाँ पे बैठे और नीचे कौन बैठा है बैठा वाई Z, B, D और E. हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि इनका राइट लेफ्ट हमेशा चेंज हो जाएगा नीचे वाले का ये क्या होगा राइट और ये लेफ्ट ऊपर वाले का ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग अब जरा क्वेश्चन को बना लें जो एन है ना वो लेफ्ट है किसके पी के एन जो है वो पी के लेफ्ट में है तो इसका मतलब ऊपर की बात बोला गया तो पी के लेफ्ट में अगर एन होगा तो मैं इसको कर लूं क्या पी इधर कहीं होगा पी के लेफ्ट में कहीं पे एन हो जाएगा देखो लेफ्ट इसका इधर ही है ऊपर वाले में अच्छा आगे क्या बोला गया एन एज सिटिंग लेफ्ट ऑफ पी एट लीस्ट टू पर्सन बिटवीन एट लीस्ट टू पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई वाई के लेफ्ट में कम से कम दो लोग बैठे हैं भाई वाई के लेफ्ट में कम से कम दो बैठे मतलब दो से ज्यादा भी बैठ सकते हैं तो इसका मतलब वाई के अगर मैं यहां रख सकता हूं यहां रख सकता हूं तो ठीक है इसके बारे में लिख लेते हैं कि वाई के लेफ्ट में दो लोग हो सकते हैं ठीक है आगे देखो जरा सा आगे क्या बोला गया इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी ठीक है कम से कम वाई के लेफ्ट में कितने लोग हो सकते हैं दो लोग हो सकते हैं ई जो है ना वो डी के जस्ट लेफ्ट में तो ऑब्वियस सी बात है डी के जस्ट लेफ्ट में ई होगा कुछ ऐसे बना दो आगे देखो जरा जो है ना थर्ड लेफ्ट है किसके पी के पी अब जरा सोचो पी के लेफ्ट थर्ड पे कौन है एम आएगा तो जरा सोचो पी के लेफ्ट थर्ड पे अगर एम आएगा तो पी को अगर मैं यहां करता हूं यहां पे तो एक दो तीन छोड़ पे एम यहां आ सकता है पी के लेफ्ट थर्ड पे एम आ सकता है भाई ये भी कंडीशन बन रही है यहाँ पे है ना ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि पी यहां हो और एक दो तीन पे यहाँ एम आ चुका है ऐसा भी तो हो सकता है कि पी इधर हो तो एक दो तीन छोड़ के एम यहां आ सकता है तो ये थोड़ा डाउटफुल है तो पी के लेफ्ट वन टू थ्री पे कौन आ जाएगा एम आ जाएगा तो ये चीज़ मैं अलग से हटा दे रहा हूँ छोड़ दो भी फिलहाल तो क्या बोला गया था आगे बोला गया था पी जो है वो क्या बोला गया इसमें एम इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पी और जो पी है ना वो किसकी तरफ देख रहा है जो वैकेंट वाले के बगल में है तो पी के सामने जो है वैकेंट वाला हो सकता है भाई ये लाइन थोड़ा सा मैं हटा के इसको आ, वो कर ले रहा हूँ अरेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट कर लूंगा इसको मैं ये वाली लाइन जो है देखो ये यहाँ पे ठीक है अच्छा बी जो है ना वो वाई के राइट में सेकेंड पे होने वाला है भाई बी वाई के राइट सेकेंड पे होने वाला है तो इसका मतलब वाई यहाँ तो नहीं होगा

ये वाई के लेफ्ट में कम से कम दो लोग होने चाहिए तो ये भी सही हमारा हो गया और ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे बन गया आगे देखो जरा सर डी के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा ई होगा यार तो डी के जस्ट लेफ्ट में ई होगा तो यहाँ तो जगह ही खाली नहीं तो इसका अंदर डी यहाँ हो जाएगा ई यहाँ हो जाएगा इसमें और इसमें देखो डी और ई की जगह बहुत सारी दिख रही है यहाँ पे तो इसको मैं अलग से रहने दे रहा हूँ डी के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा ई आएगा तो नीचे वाला डायग्राम तो ठीक ठाक है लेकिन ऊपर वाला काफी हद तक बनता दिखाई दे रहा है आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें द वन हु फेसेज अ वैकेंट सीट ऑफ रो वन रो वन कौन सा भाई इसमें रो वन ये है रो वन ये है ठीक है क्या बोला गया हु फेसेस द वैकेंट सीट ऑफ रो वन अच्छा रो वन के वैकेंट सीट की तरफ जो देख रहा है वो फोर टू द लेफ्ट ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी मतलब बी के किसी पड़ोसी के लेफ्ट में चार पे क्वेश्चन ये बोला गया था बी का पड़ोसी ये हो गया या इसके ये पड़ोसी अगर बी का देखें तो इसके लेफ्ट वन टू थ्री चार पे कोई होगा नहीं मतलब वो बोल रहा कि जो बी का पड़ोसी है ना रो वन में ये रो वन में देखो जो जो व्यक्ति रो वन के वैकेंट वाली सीट की तरफ देख रहा वो बी के किसी एक पड़ोसी के लेफ्ट में चार पे है तो ये वाले पड़ोसी के लेफ्ट चार हो ही नहीं सकता तो इस पड़ोसी की बात करेंगे इसके लेफ्ट के वन टू थ्री फोर यानी जो डी है ये इसके वैकेंट सीट की तरफ देख रहा है लो भाई वैकेंट की तरफ देख चुका है और अगर ये वैकेंड की तरफ देख चुका है तो जो पी और एम की लड़ाई हम लड़ रहे थे ना डाउट वाली वो थोड़ा कन्फर्म होती दिखाई दे दी या तो पी यहां होगा या तो पी यहां होगा अब यहां पर थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है ठीक है भाई ये लाइन हमने बना दी ठीक है ये लाइन हमने बना दी इसमें अच्छा आर का जो है चेहरा ई की तरफ नहीं होना चाहिए ठीक है ना आर जो है आर वैसे है किसमें ऊपर है ना और ई नीचे तो आर का चेहरा ई की तरफ नहीं होगा तो इसका मतलब आर जो है इस एंड पे तो नहीं आएगा ठीक है आर इज नॉट फेसिंग जो P है वो क्या बोला गया राइट से थर्ड पे ये थोड़ा हमारे लिए सुकून वाली बात है कि ऊपर में P राइट से थर्ड पे होगा तो एक दो तीन यहां पे P हो जाएगा भाई राइट से थर्ड बोला गया राइट इधर होगा ना भाई यहां P हो जाएगा ऊपर वाले में P की जगह फिक्स हो गई और P अगर आ गया तो N आ गया और N आ गया तो फिर यहां M आ चुका है ये देखो सब जो हमने लिख लिख के रखा था ना सब हो गया ये सब हो गया ठीक है आगे देखो जरा में क्या बोला गया था जो बी है ना वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बिठाना है तो यार बी तो नीचे वाले डायग्राम में होगा तो बी एक्सट्रीम एंड पे वैसे भी नहीं आएगा इसमें देखो बी एक्सट्रीम पे आ गया मतलब ये केस गलत था अच्छा हुआ कि मैंने इसको बनाया नहीं है ठीक है ना फिर क्या बोला गया इसमें द वैकेंट सीट इन रो टू इज टू द राइट ऑफ वाई भाई रो टू की जो वैकेंट सीट है वो वाई के राइट right में होगी तो जरा सोचो वाई के राइट right में वैकेंट सीट अगर होने वाली है तो ये राइट right में हो जाएगी वेकेंट सीट है ना इज द राइट ऑफ वाई ये बोला गया इसमें कि वैकेंट सीट जो है ना वाई के राइट में हो जाएगी ठीक है ऐसा हमने बना लिया जरा सोचो एक बात बात बताओ मुझे एक बात बताओ भाई अब आर की बात करें तो आर तो इसमें आने से रहा वैकेंट सीट मिल चुकी है इसमें तो आर की जगह तो इसमें यही हो जाएगी इसमें ये ऊपर का डायग्राम देखा जाए तो और अगर आर वहां पर आ गया है तो मेरे ख्याल से ऊपर एक बचा कौन सा भाई एल बचा है वो यहां आ जाएगा और अगर एल यहां हुआ है तो डी के बगल में जो ई की कहानी थी वो तो यहाँ पे अरेंज हो चुकी है यहाँ पे ये भी अरेंज हो चुकी है इसमें कौन बैठा है भाई एक नाम बताओ कौन सा बच गया वाई जेड बी डी ई वाई जेड जेड यहां आ जाएगा Y Z B D E ये देखो सब कुछ आ गया इसमें Z के बारे में कहीं बोला गया क्या कुछ जरा एक बार लाइन पढ़ लो कहीं पे Z के बारे में तो नहीं बोला गया Z के बारे में क्या कोई लाइन ऐसी है जो दिख रही है आपको आ, ये जो लाइन थी क्या कंफर्म हुई क्या P जरा पढ़ना ये लाइन को M सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P P के, के, बारे में बोला गया जो पी है ना

अगला क्वेश्चन क्या भाई अगला क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे दिया गया पांच लोग हैं जो कि एक आ, कह सकते हैं कि यहाँ पे पेंटागन शेप वाले डायग्राम पे बैठे हैं भाई पेंटागन शेप वाले डायग्राम पे बैठे हैं जिसमें से क्या बोला गया था कुछ लोग जो हैं वो सेंटर में देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं और उनका अलग अलग प्रोफेशन है मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन ही भाई कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं आसान सा क्वेश्चन है ये भी लेकिन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर भाई पीओ का लेवल ये होगा प्रीलिम्स का इससे ज्यादा नहीं जाएगा और क्लर्क में भी मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूं क्लर्क में थोड़ा लेवल और इजी आएगा एक आदा क्वेश्चन में क्लर्क भी दूंगा आपको तो मजा आने वाला है दोस्तों मजा आने वाला है बहुत सेशन अच्छा लग रहा है क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो लाइक करो ना जल्दी से जाकर लाइक कर दो लो भाई इंग्लिश वाले भी देख लो स्क्रीन लो जल्दी से और एक बार बनाने की कोशिश करो या वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो अच्छे से बनाने की कोशिश करो भाई चलो यहाँ पे बनाते हैं इसको लो भाई इसको बना देते हैं जल्दी से कैसे बनेगा ऐसे बनेगा ना ऐसे एक ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है एक और शेप ले लेते हैं ये भी बगल में यार एक छोटा सा और डायग्राम ले लेते हैं मान लो गलत हुआ कुछ वैसे भी सेंटर आउट को हम दो केस से ही बनाते हैं आपको पता होगा इसमें ठीक है क्या बोला गया फाइव लोग हैं इनके नाम दिए गए इसके शेप टेबल बैठे हैं इन ईच कॉर्नर पे मतलब चलो अच्छी बात यह है कि लोग कॉर्नर वाली जगह पे बैठे या हैं यानी देखा जाए तो इस पे बैठे हैं ये पे तीन चार पाँच सेम एक दो तीन चार पाँच ठीक है सबसे पहले वो लाइन जो बोली गई है क्या बोली गई द प्रोफेशन द प्रोफेशन ऑफ ईच वन ऑफ द इज डिफरेंट ठीक है प्रोफेशन आपको दे दी गए ठीक है छोड़ो जरा से यहाँ पे यहाँ पे अगली लाइन पढ़ लेते हैं डी से क्वेश्चन शुरू कर रहा है भाई डी से क्वेश्चन क्या शुरू कर रहा है वो देख लो जरा जो डी है ना वो एक एक्टर तो नहीं है और जो बी है लेकिन वो एक इंजीनियर है डी इज नॉट एन एक्टर एंड बी इज एन इंजीनियर फेसेस द सेम डायरेक्शन मतलब डी और बी का चेहरा एक ही दिशा में है बी इंजीनियर है ठीक है बी जो है वो इंजीनियर है ठीक है बी इंजीनियर है डी जो है वो एक्टर नहीं है यहां लिख लेता हूं डी एक्टर जो है वो नहीं है ठीक है ये लाइन हमने उतारी शुरू करो रुकना नहीं है आप लोगों को इसमें क्या बोला गया इनका चेहरा एक ही दिशा में है ये दोनों जो हैं वो सेम फेसिंग है भाई बराबर यहां पर कर दिया हमने भी इक्वल फेसिंग दिखाई दे रहे हैं ठीक है जो बी है वो सेकंड राइट है किसके टीचर के अच्छा भाई टीचर के राइट सेकेंड पे बी आने वाला है तो ठीक है ना टीचर कहीं भी होगा टीचर जो है वो कहीं भी होगा उसके राइट सेकंड पे कौन आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा बी जो है वो टीचर के राइट सेकंड पे आ जाएगा अच्छा के जो है वो किसका नेबर है भाई के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी के टी का पड़ोसी होना चाहिए कहीं भी कर लो टी के बगल में तो के आ जाएगा ठीक है टीचर के यानी टी के बगल में के आ जाएगा चलो वो भी देख लेते हैं इसमें अच्छा उसके बाद क्या बोला गया हु के बारे में टी के बारे में टी जो है वो कहा देख रहा है भाई सेंटर में देख रहा अगर टी सेंटर में देख रहा है तो एक काम कर ले इसको इसको एक काम करते हैं कहीं पे एक जगह सेंटर मान लेते हैं मान लो सेंटर कहाँ मान लेते हैं इसमें यहाँ पे ये टी रख लेता हूँ सेंटर में इसमें भी कहीं मान लो एक जगह सेंटर पे टी को मान लो कॉर्नर पे सेंटर यहाँ मान लो सेंटर जहाँ लगे आपको इसमें भी टी को यहीं मान लो सेंटर इसको मान लेते हैं मान के देखने में क्या जाता है टी अगर यहाँ आया और टी अगर यहाँ आया तो टी के बगल में के बैठा है कि नहीं बैठा है सब बताओ के इधर इमीडियट ऑफ टी ठीक है तो टी का पड़ोसी के इसमें मैं यहाँ रख लेता हूँ इसमें इसमें के को यहाँ रख लेते हैं और इसमें के को यहां रख लेते हैं। नोटिस करना टी का जो पड़ोसी वो के हो चुका है ठीक है तो ये लाइन हमने बना दी यहां पे है अच्छा और कुछ हिंट रहा अभी तो नहीं मिल रहा है।, है, अच्छा, है ना वो एल के राइट सेकेंड पे नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो टी जो है वो एल के राइट सेकेंड पे टी नहीं होना चाहिए ठीक है आगे क्या बोला गया हो सकता है लेफ्ट राइट लेफ्ट सेकेंड पे हो राइट अगर ना हो तो एल के कहाँ पे हो लेफ्ट सेकेंड पे टी हो सकता है ऐसा हो सकता है भाई ऐसा देखा जा सकता है अगर कुछ हिंट ना मिला तो ये हम लेके बना सकते हैं जो डी है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के भाई डी के के लेफ्ट सेकेंड पे बोला गया तो के अगर यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट सेकेंड पे डी यहाँ आ सकता है या फिर लेफ्ट सेकेंड पे डी इधर आ सकता है सिमिलरली लेफ्ट सेकेंड पे डी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है के का, के का फेस नहीं पता तो डी जो है के के लेफ्ट सेकेंड पे ऐसे कुछ बैठ गया डी के के कहाँ पे है लेफ्ट सेकेंड पे ठीक है ना अच्छा आगे क्या बोला गया यहाँ पे के की बात कर रहा है के का चेहरा जो है वो बाहर की तरफ है तो आप थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गई मेरे लिए के बाहर देख रहा अगर के बाहर देखेगा तो के का लेफ्ट सेकंड एक और दो यहां कौन आ जाएगा डी और के के बाहर सेकंड पे यहाँ पे कौन आ जाएगा डी और नोटिस करो कि डी जो है वो एक्टर नहीं ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया गया था इसमें ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा एक बात बताओ ठीक है छोड़ो जरा सा डी इज एग्जैक्टली बिटवीन डॉक्टर एंड मैनेजर भाई डी जो है वो डॉक्टर और मैनेजर का एकदम नेबर है डी डॉक्टर और मैनेजर तो यानी टी और ये डॉक्टर मैनेजर यहां कहीं आ सकते है. अगर ये डॉक्टर हुआ ठीक है तो ये मैनेजर हो जाएगा और अगर ये मैनेजर ये हुआ तो ये डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर और मैनेजर के बीच में डी सिमिलरली यहां पे डॉक्टर ये मैनेजर ये मैनेजर ये डॉक्टर ठीक 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 ये सब कुछ ठीक है अच्छा एक बात बताओ ना ये जो बी है ना वो टीचर के राइट सेकंड पे ठीक है खैर छोड़ो अभी टीचर का मुझे कुछ पता नहीं है आ, आगे क्या बोला गया था इसमें आगे देखो क्या बोला गया था आ, ठीक है जो टी इज नॉट द डॉक्टर भाई टी जो है वो डॉक्टर नहीं है और अगर टी डॉक्टर नहीं है तो टी तो मैनेजर हो गया इसमें भाई लो बधाई हो टी मैनेजर हो गया शॉर्टकट में लिख दिया मैंने मैनेजर यहां पे फिर डॉक्टर आ जाएगा ये देखो डॉक्टर आ गया ठीक है अब देखो डॉक्टर ये ये आ चुका है डी और के वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया ना हटा दो इसको और यहां पे तो अभी डाउटफुल है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इंजीनियर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी डी के राइट सेकंड पे इंजीनियर होगा बेटा डी के राइट सेकंड पे इंजीनियर होगा तो डी अगर अंदर देखेगा तो राइट सेकंड यहां जाएगा और डी बाहर देखेगा तो राइट सेकंड पे इंजीनियर यहां जाएगा के पास तो डी के राइट सेकेंड पे इंजीनियर होगा और नोटिस करना नोटिस करना कि जो बी है वो क्या इसमें इंजीनियर इस बोला गया शायद तो, तो यहां इंजीनियर आ जाएगा बी जो कि इंजीनियर है और डी के राइट सेकंड पे बोला गया बेटा इसका मतलब डी को कहां दिखाना पड़ेगा अंदर तभी तो राइट सेकंड पे बी आएगा इसमें इस देखो इसमें देखो डी के राइट सेकंड पे देखो यहां पे अगर बात करें ये टी है यहां पे है ना तो डी के राइट सेकंड पे इंजीनियर यहाँ हो नहीं सकता और यहाँ पे इंजीनियर होगा नहीं क्योंकि हमें बताया गया क्वेश्चन में क्या बताया गया कि बी जो है वो कौन है इंजीनियर है तो ये केस हमारा पूरा गलत हो गया और अगर ये केस पूरा गलत हो गया है तो नो डाउट ये केस बिल्कुल सही है सारे के सारे आ चुके हैं तो बचा एक एल है ना तो यहाँ आ जाएगा एल और एल के लेफ्ट सेकेंड राइट सेकेंड पर टी नहीं आना चाहिए तो लेफ्ट पे आएगा तो अगर मैं एल को अंदर दिखाऊँ तो लेफ्ट सेकेंड पर देखो टी आ गया राइट right सेकंड पे नहीं आना चाहिए तो ये भी बन गया हमारा और टीचर के राइट right सेकंड पे बी होना चाहिए तो बी अगर ये है तो टीचर यहाँ हो जाएगा ठीक है ये टीचर के राइट right सेकेंड पे बी आ गया और उसने बोला कि बी और डी एक ही दिशा में देख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है डी अगर अंदर देखा तो बी भी अंदर देखेगा और हमको पता है कि डी एक्टर नहीं है तो एक्टर कौन हो जाएगा के हो जाएगा ठीक है ये एक्टर हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया देखो क्वेश्चन में दो केस लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा डियर भी एक ही दिशा में देख रहे हैं भाई हाँ सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई देखो साफ साफ सॉल्यूशन आप लिख लो इसका सॉल्यूशन आप इसका प्रॉपर यहां पे लिख लो ठीक है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चलिए भाई अब यहां पे अगर बात करें आगे की कहानी की तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन छोटा सा ही है भाई अगला क्वेश्चन छोटा सा ही है और मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसानी के साथ बना लोगे। बहुत आसानी के साथ बना लोगे, तो जल्दी से बनाओ भाई इसका आंसर यार ये तो आठ लोग हैं जिनका अलग अलग साल में ये पैदा हुए हैं तो मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत कराए हैं भाई याद रखना तो मुझे ऐसा उम्मीद ऐसी उम्मीद लग रही एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार के जो पजल में आएंगे ना या तो क्लर्क या तो पीओ यही वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं चलो जरा बनाएं इस बार इस क्वेश्चन को एक बार आप इंग्लिश में देख लो एक बार जरा आप इंग्लिश में देख लो छोटा सा क्वेश्चन है दो चार लाइन क्या है उड़ा दोगे क्वेश्चन को आप आसानी से उड़ा दोगे चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया अभी कितने लोग हैं आठ लोग हैं ना आठ लोग हैं जो कि अलग-अलग साल में पैदा हुए तो ये काम करें क्या साल लिख लेते हैं कि कौन-कौन साल है भाई साल हमारे 1982 से तो शुरू हो रहा है 1982 94 यहाँ से तो शुरू हो रहा है ठीक है तो एक काम करो लिख लेते हैं छोटे से बड़े में है ना हां 1982 1984 उसके बाद 1987 1990 1991 और 1996 ठीक है 2001 और 2008 ठीक है भाई ये आपका पूरा डेटा दिया गया बस अब इसके आगे कहानी देखो क्या बोलेगी जरा सा ट्राई करो इसको ज़रा ठीक है भाई तो कैसे करेंगे इसको देखो 2021 के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है ठीक है तो चलो जल्दी से निकालो 2021 के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं मैं तो 2021 के रिस्पेक्ट में भाई 2008 में जो पैदा हुआ होगा वो अभी कितने साल का होगा 2021 में तो ऑब्वियसली बात है कितने साल का होगा बेटे आठ दस अठारह उन्नीस यानी तेरह साल का 2001 वाला कितने का होगा भाई 20 साल का होगा 96 वाला कितने का होगा 21, चार 25 का हो जाएगा ठीक है 1991 वाले की बात करें तो यहाँ पे 9 21 और नौ तीस हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा 31 का हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा 34 का हो जाएगा ठीक है 34 का हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा भाई तो थर्टी फोर के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे थर्टी सेवन का हो जाएगा और नाइनटीन एटी टू वाला कितने का हो जाएगा भाई अठारह और इक्कीस थर्टी नाइन का ठीक है भाई ये तुमने क्या निकाल ली इनकी एज निकाल ली एज निकाल ली अब इसके दो केसेस तुम बना सकते हो चाहो तो कैसे दो केसेस एक से तो लेके चलना मत दो से लेके चलोगे ना तो बहुत ही सुटेबल बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो ठीक है ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो ये देखो दो केसेस में लेके चलूंगा सबसे पहले क्या बोला गया भाई डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड डी इज बारह साल भाई बी और डी की उम्र का अंतर साल साल है तो जरा के गैप में कौन आ रहा दिखा रहा दिखा तुमको देखो जरा बारह साल के गैप में तुमको कौन दिखाई दे रहा है तो देखो जरा अगर साह साल की बात करूं तो उनतालीस में से अगर बारह घटाओगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा भाई तुम्हारे पास बच जाएगा सत्ताईस क्या इसमें सत्ताईस है क्या नहीं है सैंतीस में से बारह घटाओगे पच्चीस बचेगा हाँ देखो पच्चीस और सैंतीस दिखाई दे रहा एक तो मिल गया मुझे 34 से 12 घटाओ अगर तुम 34 से 12 घटाओगे तो तुम देखो यहाँ पे 22 कहीं दिख रहा क्या नहीं दिख रहा 31 से 12 घटाओगे नहीं यानी ये तो मिल गया बेटा ये तो मिल गया हमको कौन कौन बी और डी लो भाई और कोई दिख नहीं रहा इसमें तो अगर बी इसको करूं मैं तो डी कौन हो जाएगा भाई ये हो जाएगा ऐसा भी तो हो सकता है कि डी ये हो ये बी हो दो केस लेके चल रहे हैं भाई यहाँ पे अच्छा क्या बोला गया बी इज एल्डर देन डी लो भाई बी अगर बड़ा है डी से तो लो ये डन हो गया एक केस से ही हमारा बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पे ठीक है जो है वो बड़ा है डी से ठीक है आगे देखो यहाँ पे क्या लगेगा टू पीपल और बॉर्न बिटवीन बी एंड जी बी और जी के बीच में दो बंदे हैं तो एक दो छोड़ के जी यहाँ कर दिया क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है आराम से बन जाएगा द सम ऑफ एजेस ऑफ जी एंड सी सिक्सटी फोर बाई जी और सी की उम्र का जो योग है वो सिक्सटी फोर है तो जी अगर तीस का होगा तो सिक्सटी फोर की अगर बात करो तो जी यहाँ के बाद सी यहाँ आ जाएगा तीस और चौंतीस कितना हो गया सिक्सटी फोर हो जाएगा और कोई नंबर है नहीं जिसको जोड़ने पर सिक्सटी फोर आ जाए बेटा है ना आगे देखो सी और एच की एज का डिफरेंस पाँच साल है तो सी अगर चौंतीस का है तो उससे पाँच साल आगे जाओगे तो एच उनतालीस पे आ सकता है और पाँच साल पीछे जाओगे तो उनतीस इसमें कहीं दिया नहीं गया ठीक है आजा ए की जो एज है ना वो इवन नंबर में है भाई उम्र की बात कर रहा है ए की तो ए की उम्र अगर क्या है इवन नंबर में है तो लो भाई ए आ गया बीस पर और आगे क्या बोला गया ई वॉज बॉर्न आफ्टर नाइनटीन नाइनटी तो ई e यहाँ आ जाएगा और जैसे ही e ई यहाँ आया तो तुमको पता चल गया कि एक नाम कौन सा बच गया भाई एफ बच गया क्या इसमें लो एफ आ गया

चार ग्यारह और बीस को जूते खरीदे देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो डिफरेंट मंथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे आप सोल्व करोगे ठीक है तो जरा देखो डिफरेंट मंथ वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप एक काम कर लेता हूं मैं एक काम कर लेता हूं देखो ध्यान से मंथ कौन कौन से जरा देखो मंथ कौन से अप्रैल और जुलाई देखो भाई लिख ले इसको अप्रैल और जुलाई और इनकी कितनी डेट्स हैं बेटा तीन डेट्स दी दे गई हैं तो एक दो तीन एक दो तीन सिमिलरली एक और यहां खींच लो तीन तीन ठीक है क्या बोला गया इसमें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सेम सेम ईयर बट नॉट ऑर्डर बॉट द शूज बिफोर एफ ठीक है जेड जो है वो एफ के पहले शूज बाई करता है ठीक है इसके बाद क्या बोला गया एफ बॉट द शूज अच्छा यहां पे क्या बोला गया था एक्स बॉट द शूज बिफोर वी एक्स वी के पहले है एक्स वी के पहले है ठीक है अच्छा एफ shoes द शूज ऑन द ट्वेंटी एफ जो है एफ वो बीस तारीख को क्या करता है अच्छा इनकी डेट नहीं लिखी क्या मैंने चार ग्यारह ये बीस सिमिलरली चार ग्यारह बीस चार ग्यारह बीस चार ग्यारह बीस देखो भाई इसमें बोला गया था एफ जो है ना वो बीस को अपने जूते खरीदता है तो भाई या तो एफ किस वाले महीने के बीस में होगा ऊपर वाले में या तो एफ यहां वाले बीस में होगा या तो एफ यहां वाले में होगा और एफ के जस्ट पहले कौन है जेड तो एफ के जस्ट पहले जेड कर दो ठीक है ये बन गया हमारा देखो डेटा डन यहां से ये डेटा बन चुका है आगे क्या बोला गया ओ जो है ना वो इमिडिएटली क्या है आफ्टर क्यू के सेम मंथ में तो ओ क्यू के जस्ट बाद आएगा सेम मंथ में देखो तो यहां पे आ सकते हैं ठीक है क्यू के जस्ट बाद सेम मंथ में आएगा चलो आगे छोड़ दो थ्री पीपल बॉट द शूज बिटवीन एफ एंड वी भाई एफ और वी के बीच में तीन बनने जूतों खरीद जूता खरीदते हैं लोग तो अगर एफ यहाँ है तो ना तो इधर आएगा तीन लोग यहाँ पे ना तो एक दो तीन छोड़ के इधर आएगा तो ये केस तो गलत हो गया तो अगर एफ यहाँ है तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ कौन आएगा एफ और किसके बीच में बेटा वी के और जैसे ही वी आया तो आपको पता है कि वी के जस्ट पहले कौन आएगा एक्स आएगा ऐसा बोला गया था क्या इसमें एक्स बॉट द शूज बिफोर वी ना वी के पहले है और लास्ट में क्या बोला गया थ्री पीपल बॉट द शूज बिटवीन एफ और वी एफ और वी के बीच में तीन लोग हैं तो एक दो तीन अच्छा वी यहाँ नहीं आएगा ना बेटा वी यहाँ आ जाएगा ये भी तो है इसमें एक चार छुपा हुआ देखो ध्यान से अगर वी आएगा तो एक्स ऊपर आ गया और जैसे ही एक्स ऊपर आया तो ओवर क्यू सेम मंथ वाले डेटा कौन से आ जाएंगे ओ और क्यू की बात करो बेटा जरा सा ओ और क्यू और क्यू का डेटा इसमें कहाँ आ जाएगा इसमें क्या बोला गया ओ बॉट द शूज़ इमीडिएटली आफ्टर क्यू इन द सेम मंथ इन द सेम मंथ मुझे ये चाहिए था अच्छा ठीक है अगर सेम मंथ में आ रहे हैं तो यहाँ पर ओवर क्यू की बात करें तो यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ओ oh, यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन सेम मंथ नहीं हो रहा भाई ये जुलाई आ रहा है ये अप्रैल का महीना आ रहा है कहीं कुछ हम लोगों ने गलत पढ़ दिया क्या एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो आ... क्या बोला गया सेम ईयर सेम अच्छा अच्छा ये देखो गड़बड़ यहां पे हो गई थी कि जो Z है ना वो F के पहले शूज खरीदता है लेकिन इमीडिएट बिफोर थोड़ी बोला गया था तो यानी जो Z होगा ये जो यहां पे आपने बोला यहां नहीं आएगा Z ये Z यहां नहीं आएगा तो Z इसका मतलब यहां नहीं आएगा तो ओवर Q की जगह फिर यहां फिक्स हो जाएगी Q यहां पे O यहां पे Z आ जाएगा यहां पे ठीक है, एफ के पहले है तुरंत पहले नहीं बोला गया इसमें ध्यान रखना तो ये देखो बन गया हमारा फाइनल आंसर ये हमारा फाइनल बन चुका है क्यू सेम मंथ में आ गया ठीक है चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा देखो ध्यान रखना ये जो छोटी छोटी लाइन है ना कि बिफोर इमीडियटलीफोर इन से ना क्वेश्चन बहुत फर्क पड़ता है देखो क्वेश्चन कितना बन गया था और सिर्फ वो एक लाइन थी जो इसमें क्वेश्चन को पूरा मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ था ठीक है ना चलिए एक और ट्राई कीजिए अनसर्टेन बॉक्स वाला क्वेश्चन है भाई अनसर्टेन बॉक्स वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ पे ट्राई करो इसको इसको जरा जल्दी से ट्राई कर लो जल्दी से ट्राई करो इसको बताओ वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो मजा आ रहा इस सेशन को लाइक के, तो के कवर होंगे फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे तीन चार टॉपिक मिक्स करके आपको कराएंगे और बहुत ही मजा आने वाला फिर लास्ट में आपको मॉक टेस्ट कराएंगे तो बहुत मजा आएगा चालीस दिन बिल्कुल बरकरार बने रहना और प्रॉपर करते चलना इसमें ठीक है ना चलो इसको ट्राई करते हैं क्या बोला गया इसमें सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अब द अदर थ्री बॉक्सेस बिटवीन क्या डब्ल्यू और एस बेटा डब्ल्यू और एस के बीच में कितने बॉक्स हैं यहाँ पे तीन बॉक्स हैं डब्ल्यू और एस के बीच में कितने बॉक्स हैं तीन बॉक्स हैं ठीक है ना तो ऐसे कर लें अगर मैं डब्ल्यू यहाँ करता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के एस हो गया ऐसा भी हो सकता है ना कि डब्ल्यू ये हो गया या इसमें कर लेता हूँ ऐसे इसमें ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पर कर लेता हूँ किसको एस को एक दो तीन छोड़ के मैं डब्ल्यू कर लेता हूँ ठीक है ये हो गया हमारा डन फिर क्या बोला गया एस इज कैप्ट एग्जैक्टली बिटवीन डब्ल्यू एंड जे अच्छा एस जो है ना वो डब्ल्यू और जे के ठीक बीच में तो यानी यहां से एक दो डब्ल्यू और जे के बीच में है ना भाई तो इसका मतलब डब्ल्यू से एस कितने दूरी पर है तीन एक दो तीन छोड़ के जे आ जाएगा इसमें देखो एक दो तीन छोड़ के जे यहां आ जाएगा ठीक है आगे जरा देखो इसमें क्या बोला गया आगे क्या बोला गया भाई Uh, कहा गया कि एफ जो है विच इज़ केप्ट बिलो जे एफ जो है ना वो जे के नीचे होना चाहिए इसमें बोला गया था टू बॉक्सेस यहाँ पे लाइन कौन सी थी भाई एग्जैक्टली बिटवीन डब्ल्यू एंड जे और टू बॉक्सेस केप्ट बिटवीन जे एंड एफ भाई जे और एफ के बीच में दो बॉक्स हैं और आगे ये बोलता है जे और एफ़ के बीच में दो बॉक्स हैं और एफ़ जो है वो जे के नीचे होना चाहिए तो जे और एफ के नीचे एक दो करके एफ कर दिया और इसमें देखो एक और दो छोड़ के एफ़ यहाँ आ जाएगा ठीक है ये एफ आ गया फिर क्या बोला गया था के जो है वो कैप्ट जस्ट अब एफ एफ के जस्ट ऊपर कौन आएगा के आ जाएगा भाई है ना तो यहां पे एफ के जस्ट ऊपर के आ जाएगा और इसमें भी ऐसे ही होगा कि के और फिर एफ ठीक है फिर क्या बोला गया भाई टू बॉक्सेस बिटवीन जे एंड वाई भाई जे और वाई के बीच में दो बॉक्स होने वाले हैं किसके बीच में जे और वाई के बीच में होने वाले यहां पर ना ठीक है तो अगर जे यहाँ पे तो एक और दो छोड़ के वाई यहाँ नहीं आएगा तो एक और दो छोड़ के वाई एस के जस्ट नीचे आएगा ये देखो इसमें देखो एक और दो छोड़ के वाई ऊपर आ सकता है एक और दो छोड़ के वाई नीचे भी आ सकता है किसके भाई जे किसके किसके बारे में बोला गया वाई और जे के ना टू बॉक्सेज बिटवीन किसके भाई जे और वाई तो जे अगर यहाँ है तो एक और दो छोड़ के वाई नीचे नहीं आएगा एक और दो छोड़ के वाई ऊपर आ जाएगा ठीक है इसमें भी ठीक है आगे बोला गया आर जो है ना जस्ट अबव है डब्ल्यू के तो W के जस्ट ऊपर R इसमें हो गया और W के जस्ट ऊपर R इसमें हो गया ठीक है यहां पे देखो W के जस्ट ऊपर R हो गया R जो है या तो टॉप पे है या तो बॉटम पे तो यहां पे तो गलत है R ना तो टॉप पे है, ना तो बॉटम पे ये बिल्कुल डायग्राम सही है भाई आगे क्या बोला गया इसमें वन बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन आर एंड पी आर और पी के बीच में एक बॉक्स रख लो यार तो एक छोड़ के यहाँ पी आ जाएगा क्योंकि आर तो टॉप पे रखना है ना भाई तो ये पी आ गया और पी जो है टॉप पे बॉटम पे नहीं होगा और के जो है ना वो सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम के नीचे से दूसरे पर तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया देखो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है ठीक है एक्चुअली ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है इसको मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ ऐसे रहने देते हैं ना ठीक है ऐसे रहने दो ये आपका सॉल्यूशन आ गया ठीक है सारी कंडीशन मैच हो गई है और सारी कंडीशन मैच होने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया कितने बॉक्सेस हैं टोटल जरा गिनो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन तेरह बॉक्स हैं भाई अनसर्टिन में तेरह अब इससे आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आसानी से बना लेंगे तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो आई होप आपको आज मजा आया हो क्वेश्चन करके तो लेवल जो होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा ठीक ठाक होगा पजल बनने चाहिए अगली क्लास से हम सिलॉगस और इनिक्वालिटी पे काम करेंगे तो बस तैयार रहिए उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन पे काम करेंगे ठीक है तो आपको आज का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और आपको बता दें कि हमारे सेशन से आपको कहाँ पर और मिल सकते हैं तो ये हमारे सारे के सारे जो सेशन्स से हैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट से मिल सकते हैं हमारे ऐप पे जाके आप हमारे ये सारे सेशंस से देख सकते हैं मान लीजिए आप वेबसाइट पे जाना चाहें तो मैगनेट पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपके सामने एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज होंगे तो आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बैंक एस दिखाई देगा भाई तो आप इसमें बैंक को अगर क्लिक करते हैं तो बैंक के जितने भी कोर्स हैं सारे आपको यहाँ मिलेंगे और सब कुछ फ्री मिलेगा ध्यान रखना आपको अगर मान लो क्रैश कोर्स देखना है, तो आप क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे ही क्रैश कोर्स पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से ये आपका इंटरफेस आ जाएगा और ये हमारा पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा बस आपको वहाँ पे सारे क्रैश कोर्स चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो ये पूरे मिल जाएंगे आपको कुछ नहीं करना सारे के सारे ऑल टॉपिक्स कवर पे आप जाएंगे टिक करेंगे या इसको ही टिक करेंगे तो प्रॉपर आपको क्या मिल जाएगा सेशन मिल जाएगा हमारा और वो सेशन में आपके सामने सारी की सारी चीज़ें जो हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगी समझ में आई बात तो ये जो कहानी है ना इस कहानी को एक नए अंजाम पे ले जाने के लिए सेशन आपको देखना पड़ेगा और अगर आपको जो भी हमारी मेहनत है पसंद आ रही है तो प्लीज सेशन को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ये सब कुछ फ्री है यार हम आपसे फ्री में आपको सब कुछ दे रहे हैं घर बैठे पढ़ाई करो कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं कहीं कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है सब कुछ यहीं पर होगा अभी हम प्री पढ़ा रहे हैं फिर हम आपको मेन्स भी पढ़ाएंगे तो मजा आएगा बने रहिए मैग्नेट ब्रेंस के कॉम्पिटिशन चैनल से मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद